2022 23 खरीप विपणन हंगाम पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मंजुरी दिली. मंजुरी देण्यात आलेले दर सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट आहेत. पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवली आहे. यापैकी तिळासाठी 523, मूग 480, तर सूर्यफुलाच्या बियांसाठी 385 रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली असल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितलं. वृद्धी साल होगी, मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है, सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है, उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये. अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद एक दो के ऊपर, लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी. 2021-22 अग्रिम अंदाजानुसार देशात विक्रमी 314 दशलक्ष टनांहून अधिक अन्नधान्य उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारनं आपल्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्यासाठी कल्याणासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. 8 वर्षात कृषी क्षेत्र नव्या उंचीवर पोहोचलं असल्याचं ठाकूर यांनी सांगितलं.